नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। सिरोही शिक्षक संघ राष्ट्रीय के स्थायी समिति की वर्चुअल बैठक हुई संपन्न। बैठक में आंदोलन के दूसरे चरण को किया गया तय। संगठन के प्रदेश महामंत्री अरविंद व्यास व वरिष्ठ शिक्षक नेता गोपाल सिंह राव के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मार्च माह के 16 दिन की स्थित वेतन का भुगतान करने, प्रतिमा 1 व 2 दिवस का वेतन काटने एवं उपार्जित अवकाश के नकदीकरण पर रोक लगाने के आदेश का विरोध किया। संगठन ने विरोध स्वरूप 7 सितंबर 2020 को सभी उपशाखाओं में उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं मुख्य शासन सचिव को ज्ञापन सौंप कर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद 10 सितंबर 2020 को राज्य भर में शिक्षकों ने काली पट्टी बांध कर काला मास्क लगाकर विरोध प्रकट किया। विरोध के अगले चरण में 13 व 14 सितंबर 2020 को समस्त संभाग मुख्यालयों पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर शिक्षकों के साथ राज्य सरकार द्वारा की जा रही मनमानी को उजागर किया गया, जिसमें दिनांक 25 सितंबर 2020 को जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री तथा मुख्य सचिव को उक्त तीनों मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री के नाम प्रत्येक उपशाखा से न्यूनतम 151 की संख्या में पोस्ट कार्ड भिजवाए। बैठक में स्थायी समिति के सदस्यों को संरक्षक मंडल ने राज्य सरकार के आदेश का पूर्ण विरोध करने का आह्वान करते हुए मार्गदर्शन किया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संपत सिंह ने सभी को धन्यवाद ज्ञापन किया और बैठक के समापन की घोषणा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो कर्मचारियों के वेतन कटौती का आदेश जारी किया है, उसका संपूर्ण राजस्थान में विरोध चल रहा है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने आंदोलन के प्रथम चरण में उपखंड कार्यालयों पर ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी। उसके बाद में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री जी को मेल भी किया और अनेक जो जिस तरह से सरकार को चेतावनी दे सकते थे दिया, लेकिन फिर भी राजस्थान की सरकार ने शिक्षकों की और कर्मचारियों की बिल्कुल एक भी नहीं सुनी। तो आंदोलन के दूसरे चरण में अब जिला मुख्यालयों पर धरने होंगे। उसके बाद में आंदोलन के आगे जो चरण बताए गए उनके अनुसार संगठन आंदोलन करेगा। सरकार ने यदि ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन तेज किया जाएगा और जिसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और राजस्थान सरकार की रहेगी।